मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, मगर पुलिस शहर में किस तरह से काम करेगी इसके लिए भोपाल से पुलिस की टीम कानपुर गई थी। सीनियर आईपीएस अधिकारी कृष्णा एस थोटा ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत कर बताया कि कानपुर में वर्कशॉप कर हमें वहां ये सिस्टम बताया गया। कानपुर पुलिस के पास पावर हमसे ज्यादा है। दो बड़े शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है। कमिश्नर प्रणाली की कार्य प्रणाली को समझने के लिए राजधानी भोपाल से टीमें भेजी गई थी दूसरे राज्यों में कि किस तरह से वहां पर काम होता है कमिश्नर प्रणाली में। इस वक्त हमारे साथ टीम की तरफ से जो कैप्टन गए थे डीसीपी जोन वन साईं कृष्ण थोटा जी मौजूद है। सर, कानपुर गए थे, आपकी टीम गई थी कार्य प्रणाली को समझने के लिए, क्या कुछ अंतर समझ में आया मध्य प्रदेश और उसमें, और क्या कुछ सीखने को मिला? सबसे पहले तो कानपुर की टीम बहुत ही उन्होंने बहुत ही समय देकर और बहुत ही इंटरेस्ट से जो है एक एक पहलू भोपाल की टीम को समझाया। वहां पे उनके वरिष्ठतम अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने वर्कशॉप के माध्यम से सबको संबोधित किया और सारी जो बारीकियां हैं पेचीदियां हैं वो एक्सप्लेन की। सर, पुलिसिंग और पावर में अगर देखें हम तो वहां में और यहां पर कुछ अंतर नजर आया? वहां पर और यहां पर थोड़ा अंतर है। जैसे सीआरपीसी की यदि आप धाराएं देखेंगे तो हमारे पास एक 133 की धारा होती है जिसके अंदर जो भी मार्ग जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है इसमें जो चीज अवरुद्ध करती है ट्रैफिक को या जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं इनको रिमूव करने के लिए वो पावर है, वो कानपुर में है और भोपाल में नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो किन्हीं चीजों में लाइसेंस को लेकर बात की जा रही थी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में तय किए जाएंगे लाइसेंस, कानपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है लाइसेंस को लेकर? नहीं तो वहां पर जैसे मैंने कुछ एक्ट बताया आपको, एक्सप्लोसिव एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया और अन्य एक्ट है, इनमें लाइसेंसिंग के प्रावधान है। हमारे यहाँ पे भी जैसे पॉइजन एक्ट है इसके अंदर लाइसेंसिंग के प्रावधान है, तो इन सब के लिए वहां पर जो है उन्होंने प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करी है, अधिकारी नियुक्त किए हैं जो कि लाइसेंसिंग का काम देखेंगे, वही प्रक्रिया भोपाल में भी लागू की जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी जोन वन जो कि कैप्टन के तौर पर टीम की कानपुर गए थे, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि वहां की पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कार प्रणाली में थोड़ा सा अंतर है मध्य प्रदेश से, आगे आने वाले समय में ये चीजें भी डिजॉल्व हो सकती हैं। कैमरामैन नंदकिशोर सैनी के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।